समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और संबल लोकसभा से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क का 94 साल की उम्र में निधन हो गया है। डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क ने मुरादाबाद के सिद्ध हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। बताते चले लगभग कई दिन से डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क सिद्ध हॉस्पिटल में भर्ती थे और उनका जो है इलाज चल रहा था, लेकिन आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली है। तमाम समाजवादी पार्टी के नेता और तमाम जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अस्पताल को जाने लगे हैं, वहां जुटने लगे हैं। कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क थे वो समाजवादी पार्टी से यहाँ प्रत्याशी भी थे। समाजवादी पार्टी को एक कहीं ना कहीं बड़ी हानि हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क मुस्लिम एक बड़ा चेहरा माना जाता था। उनके पोते कुदर की विधानसभा से विधायक भी हैं, जिनका नाम जियाउर रहमान वर्क है। फिलहाल कहा जा रहा है कि उनका जो शव है वो यहाँ मुरादाबाद से संबल ले जाया जाएगा, उनके आवास पर रखा जाएगा। तमाम लोग वहां पर जो है पहुंचने की संभावना है। और कहा जा रहा है कि उन्हें, हालांकि अभी वक्त मुकर्रर नहीं है कब उन्हें सपुर्द खाक किया जाएगा, लेकिन यहाँ से जो है कुछ ही देरी में आज जो है डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क को संबल ले जाया जाएगा। उनकी 94 साल की उम्र थी, वो विधायक भी रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, और कहा जा रहा है कि संबल और मुरादाबाद दो लोकसभाओं से वो सांसद भी रहे हैं। फिलहाल उन्होंने अंतिम सांस ली है और तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो वहां पर जुटने शुरू हो गए और शोक व्यक्त कर रहे हैं। कैमरा पर्सन शाहरुख अंसारी के साथ शाहनवाज इलियास, इंडिया न्यूज, मुरादाबाद।